Happy New Year to all of you. Hope you have enjoyed your holidays very well. Now, coming back to the studies from chapter number 12, we have started electricity. And in electricity, we have almost completed the whole chapter that is included in GSEB 2020. And the remaining portion, and one of the most important question to be asked in this board exams, चाहे वो GSEB हो CBSE हो, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि अगर ज़्यादा मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज ओम्स लॉ. वी हैव ऑल्सो लर्न वेरी वेल ओम्स लॉ इन द प्रीवियस लेक्चर्स, बट दिस इज समवॉट डिफरेंट इन द राइटिंग पोर्शन कि हाउ वी कैन डिस्क्राइब ओम्स लॉ, हाउ वी कैन डिस्क्राइब ओम्स लॉ इन अ बेटर वे कि हमारा पेपर दूसरे स्टूडेंट से अच्छा कैसे हो सके. क्लियर? If we are preparing for the boards, then दूसरे students से हमारा paper अच्छा कैसे हो सके. Then I have few questions, that is one is the Ohm's law, resistance, 1 ohm, voltage current graph, voltage versus current graph. Each of this topic, each of these questions can be asked individually. कि अलग अलग ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है कि Ohm's law आपको दो mark में पूछ सकते हैं, then you have to write up to this much. आपको रेजिस्टेंस पूछ सकते हो तो आप लिख सकते हो, वोल्टेज करंट ग्राफ एक्सप्लेन करने के लिए पूछे तो आप लिख सकते हो, एंड द होल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द ग्रेटर मार्क्स कि भाई 4 मार्क्स 5 मार्क्स में पूरा क्वेश्चन पूछे, एक्सप्लेन ओम्स लॉ इन डिटेल विथ वोल्टेज करंट ग्राफ. क्लियर? कि आपको ओम्स लॉ एक्सप्लेन करना है विथ वोल्टेज करंट, वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ एक्सप्लेन भी करना है. तो ओम्स लॉ का पोर्शन ही है कि अगर हम ओम्स लॉ देखें तो रेजिस्टेंस, 1 ओम, वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ, ये सारे पोर्शंस ओम्स लॉ में ही आ जाते हैं. तो ओम्स लॉ इज अ बिगर टॉपिक और ये उसके छोटे छोटे टॉपिक्स है. अगर 2 मार्क में है तो मैं बताऊंगा कि कहां तक लिखना है, अगर 4 मार्क 5 मार्क में है तो पूरा बोर्ड आपको भर देना है. क्लियर? तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, ताकि आपको आराम से लिखना है तो लिख लो. लेकिन अगर जब भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं तब आपको कुछ लिखना नहीं है. क्लियर? आराम से देखो क्या कर रहे हैं हम. देखेंगे बेटा यहाँ पे क्या क्या चीजें चल रही है. व्हाट इज ओम्स लॉ, उससे पहले कंडक्टर थोड़ा बहुत जंग लग गया होगा दिमाग में, तो हम थोड़ा करते हैं क्योंकि बहुत 2-3 लेक्चर्स पहले हमने ये कंप्लीट कर लिया था ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ, उससे पहले करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस तो हम अभी आज ही पढ़ेंगे, लेकिन कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें से करंट पास हो सकता है उसे कहते हैं कंडक्टर, जिसमें से करंट बिल्कुल पास नहीं हो सकता उसे कहते हैं इंसुलेटर. क्लियर? अगर करंट पास बिल्कुल नहीं हो रहा है तो उसे इंसुलेटर कहते हैं, लेकिन करंट आसानी से पास हो रहा है तो उसे कंडक्टर कहते हैं. उनके बीच में भी 2-3 चीजें आ जाती है, बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर देयर आर पुअर कंडक्टर्स एज वेल एज रेजिस्टर्स, तो वो भी हम देखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक, अगर दूसरी बात करें तो व्हाट डू वी मीन बाय चार्ज, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पजेस बाय एनी ऑब्जेक्ट, और कहीं पे भी अगर वो है एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन इट इज चार्ज. चार्ज का फॉर्मूला हमने देखा था क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, क्यू वॉज इक्वल्स टू एन ई. देन यू ऑल्सो लर्न अबाउट द फॉर्मूला ऑफ द करंट, द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग टू द कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वोल्टेज, जब भी बैटरी बोलते हैं तो उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है, लेकिन हम कॉमन सेंस में, कॉमन लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं बेटा, बैटरीज, वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर. तो वहां पे हम थोड़ा सा वो ध्यान रखेंगे. 2 चीजें हम आपको डिस्टिंग्विश करवाना चाहते हैं, वो है कि करंट के बारे में जब भी बोला जाए, वोल्टेज के बारे में जब भी बोला जाए, तो 2 चीजें आपको खास करके ध्यान में रखनी है, दैट करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर. तो 2 वर्ड आते हैं, 1 इज थ्रू, अनदर इज अक्रॉस. करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर कि वो वायर में से पास होता है, कि वायर होता है, कंडक्टर है, वायर यानी कंडक्टर होता है, तो वायर में से पास होता है करंट. कि पूरे वायर में आप देखो तो क्या है, पूरे वायर में आप देखो तो क्या है बेटा, करंट ही करंट होता है, तो ही उसे हम करंट कहेंगे, बिकॉज करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर. अब समझो क्या बोल रहा हूं, करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, थ्रू यानी उससे अंदर से पास होता है, तो वायर में से पास होता है तो उसे करंट वे होगा. लेकिन वोल्टेज के बारे में क्या बोला जाता है, वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, यानी 2 एंड पे, अक्रॉस द कंडक्टर यानी कंडक्टर के 2 एंड पे वोल्टेज अप्लाइड होता है. फॉर एग्जाम्पल आप बैटरी लगाते हो तो बैटरी आप बल्ब के बीच में नहीं लगाते, बल्ब का एक एंड होता है, दूसरा एंड होता है, उन दोनों एंड पे आप बैटरी लगाते हो. समझ में आया? आप मोटर समझो, मोटर आपने छोटी मोटर्स भी देखी होगी कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट्स में या साइंस प्रोजेक्ट में आपने यूज किया होगा, छोटा सा मोटर आता है ना, तो उसके 2 वायर्स होते हैं,
हमेशा अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखे तो उसके कनेक्शन के लिए दो वायर्स होते हैं और उसी दो वायर में दो एंड पे ही हम बैटरी लगाते हैं। तो मतलब बैटरी कहां पे लगाई जाती है? दोनों एंड पे। तो दोनों एंड को कैसे बोला जाता है? दैट वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। अक्रॉस यानी दोनों एंड पे उनके दो टर्मिनल्स कनेक्ट किए जाते हैं। जब भी कनेक्ट कर दिया तो करंट उसके अंदर से पास होगा। बल्ब के अंदर से करंट जा रहा है लेकिन वोल्टेज कहां पे अप्लाइड है? अक्रॉस द बल्ब। वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द बल्ब बट करंट फ्लोज थ्रू द बल्ब। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ले लो तो ये सेम ही रहता है, दैट वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस बट करंट फ्लोज थ्रू। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बेटा। अभी ओम्स लॉ के बारे में बात करें तो व्हाट इज ओम्स लॉ? द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो इसीलिए मैं यहां पे बोल रहा था क्या होगा, यहां पे करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो जो चीजें मैं यहां पे अंडरलाइन कर रहा हूं वही इंपॉर्टेंट चीज है। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस। समझे कि यहां पे क्या आता है बेटा? यहां पे थ्रू है लेकिन यहां पे क्या है? अक्रॉस है। बिकॉज करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वोल्टेज यानी बैटरी इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट। फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट यानी क्या होता है? उससे पहले ऊपर की चीज है कि करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि जो ये आई है वो वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स इफ करंट इंक्रीजेज देन वोल्टेज इंक्रीजेज और वोल्टेज इंक्रीजेज देन करंट इंक्रीजेज। कि अगर कोई एक चीज में इंक्रीजमेंट आता है, इंक्रीज होती है, तो दूसरी चीज भी इंक्रीज होती है। अगर एक चीज इंक्रीज होती है तो दूसरे भी इंक्रीज होती है। एक में इंक्रीमेंट होता है तो दूसरे में भी इंक्रीमेंट होता है। उसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि माय एज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एज। कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो मेरी एज भी बढ़ेगी, मेरी एज बढ़ेगी तो आपकी एज भी बढ़ेगी। हाँ, लेकिन वो जरूर है कि हम दोनों की एज कभी इक्वल होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे वही प्रोपोर्शनलिटी है, दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी एम्पियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। वो तो एक ही चीज होती है, आई इज प्रोपोर्शनल टू वी और वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो बहुत ही सिंपल सी चीज हो गई कि ओम्स लॉ क्या है, दैट करंट इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन उसको थोड़ा सजा बुझा के लिखना है, हर बार कंडक्टर को घुसेड़ देना है। किसको? कंडक्टर को। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। तो कंडक्टर को तो घुसेड़ना ही है। कि यहां पे करंट के बारे में बात हो या पोटेंशियल के बारे में, कंडक्टर को लगा दो, दो तीन वर्ड्स बढ़ जाएंगे, एक दो लाइन बढ़ जाएगी, अच्छा लगेगा, हाँ बड़ा लिखा है, मैं मार्क्स ज्यादा दूंगा, बोर्ड में मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। बट व्हाट इज प्रोवाइडेड? कि उसमें फिजिकल कंडीशंस कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। और व्हाट आर द फिजिकल कंडीशंस? द फिजिकल कंडीशंस शुड बी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। द फिजिकल कंडीशंस आर टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, विथ ऑफ द कंडक्टर। ये सारी फिजिकल चीजें अगर हम देखें कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो सारी चीजें कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, उसमें कोई चेंज होना चाहिए नहीं। अगर टेम्परेचर प्रेशर में चेंज होगा, खास करके अगर टेम्परेचर में चेंज होगा तो इसमें भी चेंज आपको दिखने को मिलेगा, आपको इसमें भी चेंज देखने को मिलेगा। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फिजिकल कंडीशन शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। फिजिकल कंडीशन शुड रिमेन कॉन्स्टेंट और शुड बी रिमेन्स सेम। क्लियर? तो यहां पे प्रोपोर्शनलिटी है। तो हमने जैसे पढ़ लिया था कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो कोई ना कोई कांस्टेंट चाहिए। तो इजीली हमने v इज प्रोपोर्शनल टू i की जगह लिख दिया, v इज इक्वल्स टू ir एंड r इज कांस्टेंट एंड r इज आल्सो नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर को साथ में ही रखना है, टिकट कहीं पे भी निकाल देनी है। दैट r इज कांस्टेंट एंड कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो अभी तो नई चीज आ गई कि भाई ये जो कांस्टेंट आया r इज आल्सो कांस्टेंट एंड दैट r इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। r को क्या बोलते हैं बेटा? r को बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। बट व्हाट डू वी मीन बाय रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस माने क्या? व्हाट इज रेजिस्टेंस?
तो रेजिस्टेंस के बारे में अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, कि कोई भी कंडक्टर की एक अंदरूनी प्रॉपर्टी है, दैट इट इज द प्रॉपर्टी, कि हमारा एक प्रॉपर्टी है दैट वी हैव मास, हमारे पास वजन है, कहां से आया वो नहीं पता लेकिन है, हमारी एक प्रॉपर्टी है दैट वी ऑक्यूपाई स्पेस एंड वी डू हैव ए मास, हमें जगह चाहिए, हमारा वजन कुछ ना कुछ होता है, तो वी डू ऑक्यूपाई स्पेस, वी हैव ए मास, इट इज अवर प्रॉपर्टी. सिमिलरली ईच एंड एवरी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि उसका एक रेजिस्टेंस होता है. एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज. कैसी प्रॉपर्टी, क्या है वो, कि वो कोई भी चार्ज अगर आ रहा है तो उसको अपोज करता है, रोकता है, तो अपोज करता है, रोकता है. समझ में आया बेटा? तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर दैट अपोजिस द फ्लो ऑफ चार्ज, that opposes the flow of charge, and that is resistance. The SI unit of resistance is ohm. The SI unit of resistance is ohm, and according to the Ohm's law, V is equals to IR. I को दूसरी तरफ division में जाने दे तो R is equals to V by I. R is equals to V by I. समझ में आया? Resistance क्या है? एक conductor की property है जो charge को flow होने से रोकता है. That is, it opposes the flow of charge. And what is flow of charge? Flow of charge is current. Flow of charge क्या होता है बेटा? Flow of charge होता है current. So the resistance is the property of a conductor that opposes the flow of charge. And flow of charge means current. It means resistance opposes the current. Resistance क्या काम करता है बेटा? Current को oppose करता है. Current को आगे नहीं बढ़ने देता है. फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसको रोकेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा, दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज, यानी करंट को रोकेगा. तो अच्छा है कि बुरा है? कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना करंट कम होगा, तो हमारे लिए लॉस हो गया, कि हमें तो करंट चाहिए तभी तो ये सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क करेंगे. समझ में आया? तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना करंट कम होगा. देखते हैं व्हाई, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. हमने अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात की थी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ती है. आपकी एज बढ़ेगी तो मेरी एज भी बढ़ेगी. क्लियर? समझ में आया? आपकी एज बढ़ेगी तो मेरी एज भी बढ़ेगी, तो उसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? आप जितना ज्यादा खाओगे, आप उतना अनहेल्दी फूड जितना ज्यादा खाओगे, मतलब आप पिज्जा बर्गर जितना ज्यादा खाओगे तो आपकी हेल्थ बिगड़ेगी. तो हेल्थ इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फास्ट फूड. हेल्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फास्ट फूड. जितना ज्यादा फास्ट फूड होगा उतनी कम हेल्थ होगी. समझ में आया? तो आपको ये ध्यान रखना है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी कम होती है तो उसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर एक चीज इंक्रीज होती है तो दूसरी भी इंक्रीज हो तो उसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यहां पे बात करें तो 1 ओम, ये खास करके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कि रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम. उसे इंडिकेट कैसे कहा जाता है? ऐसे ओमेगा कहते हैं. इस साइन को क्या कहते हैं? ओमेगा. बट बोलते क्या है हम? ओम. ओमेगा कभी बोलेंगे नहीं लेकिन ओम बोलते हैं हम. तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है. तो जितना ज्यादा ओम रेजिस्टेंस होगा, उतना ही हमारा क्या होगा? करंट कम हो जाएगा बेटा. क्या हो जाएगा बेटा? हमारा करंट बहुत ही कम हो जाएगा. क्लियर? लेकिन 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगा? 1 ओम, 1 ओम रेजिस्टेंस. जैसे हमने कूलम चार्ज में देखा था 1 कूलम चार्ज, करंट में देखते 1 एम्पियर करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में देखते 1 वोल्ट. तो ये 1 ओम कब होगा? तो R का फॉर्मूला देखो, R इज इक्वल्स टू V बाय I. तो अगर वोल्टेज भी 1 होगा, करंट भी 1 होगा, तो 1/1 मिलने वाला है. R का फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास? R का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? R इज इक्वल्स टू V अपॉन I. तो अगर वोल्टेज की वैल्यू 1, करंट की वैल्यू 1, तो ये टोटल वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 1. तो यहां पे मैंने वही लिखा है. देखो, इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोस थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर साथ में रखो, if 1 ampere of current flows through the conductor having potential difference 1 volt is said to be having 1 ohm resistance, is said to having 1 ohm resistance. ki agar current 1 ampere hai, electric potential difference that is voltage 1 volt hai, to uska resistance bhi kya hoga? 1 ohm resistance hoga. kya hoga beta? 1 ohm resistance hoga. now next, यहां पे अगर हम देखें तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. वो तो अभी हमने डिस्कशन किया कि आई का फॉर्मूला देखो, आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर, और आर का फॉर्मूला देखो, आर इज इक्वल्स टू वी बाय आई. इट मींस आई डिनोमिनेटर में,
अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज है, आई के फॉर्मूला में कोई भी चीज डिनोमिनेटर में है, उसका मतलब ये कि देखो वोल्टेज जितना ज्यादा होगा तो ये आई की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन आर है वो डिवीजन में है, आर है वो डिवीजन में है, तो जितनी बड़ी आर की वैल्यू होगी उतना बड़ा डिवीजन होगा तो वैल्यू हमें छोटी मिलेगी। समझ में आया कि आप देखो यहां पे आप 6 लो, चलो वोल्टेज 6 है वो कांस्टेंट रख दिया, लेकिन अगर रेजिस्टेंस 2 है तो क्या होगा 3 एम्पियर होगा। अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाओ, रेजिस्टेंस 3 करते हैं तो 6/3 2 एम्पियर हुआ, अगर उसको 6 कर दो तो 6/6 1 एम्पियर, यानी जितना रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा करंट उतना डिक्रीज होगा, करंट उतना डिक्रीज होता है उसे हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, तो उतना आपको याद रखना है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द सिंपलेस्ट टॉपिक, बहुत ही सिंपल है लेकिन ग्राफ देखते हैं ना जब भी तो हमारा दिमाग घूम जाता है, ज्यादातर बच्चों को ग्राफ देखते ही दिमाग चक्कर खा जाता है, तो अभी वो देखते हैं हम। चलो क्या है वो, वोल्टेज करंट ग्राफ। ये वोल्टेज है, क्या है बेटा वोल्टेज, ये मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा है, बहुत छोटा है अगर नहीं दिख रहा है तो बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वोल्टेज, ये करंट है ए। जब भी अगर हम कहीं पे भी फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, छोड़ दो कि भाई एक वायर है, सब जो ये वायर है ये क्या है वायर है, तो इसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी है, कोई भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस होगा, कितना है वो नहीं पता है, छोड़ दो अभी हमें पता ही नहीं है कि ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है। लेकिन मैं यहाँ पे बैटरी अप्लाई करता हूँ, मैंने दो टर्मिनल इसके कनेक्ट कर दिए बैटरी से, तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। समझ में आया कि अगर हम एक बैटरी लगाते इसके अराउंड तो यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और कितना करंट फ्लो होगा, कितना करंट फ्लो होगा दैट इज डिपेंडेंट अपॉन बैटरी, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन बैटरी। तो मैं 10/10 पहले एक छोटी बैटरी लगाई 2 वोल्ट की, फिर उसमें 2.2 वोल्ट की बैटरी लगाई, 2.4 वोल्ट, 2.8 वोल्ट, मतलब मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज यूज कर रहा हूँ, एंड ईच एंड एवरी टाइम मैं करंट मेजर कर रहा हूँ कि भाई कौन से बैटरी में कितना करंट आता है। तो जैसे जैसे बैटरी वोल्टेज इंक्रीज होता है करंट भी इंक्रीज होता है, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होता है करंट भी इंक्रीज होता है। तो अगर आप देखोगे तो वोल्टेज वर्सेस एम्पियर को, वोल्टेज वर्सेस एम्पियर को आप ग्राफ में प्लॉट करो। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, 0.4 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 1.6 वोल्ट, 2 वोल्ट, तो डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज पे मैं करंट चेक कर रहा हूँ। तो इन दोनों का ग्राफ यहाँ पे अगर हम देखें बेटा तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और अगर इस ग्राफ का आप स्लोप लेते हो, इस ग्राफ का क्या लेते हैं बेटा हम, स्लोप, तो ये क्या कहते हैं, इसे स्लोप लेना कहते हैं। ये वैल्यू आपको कहां से मिलेगी? ये वैल्यू आपको मिलेगी यहां पे वाई एक्सिस में से, क्लियर। और ये जो वैल्यू है वो आपको कहां से मिलेगी, एक्स एक्सिस में से। कहां से मिलेगी बेटा? एक्स एक्सिस में से। तो यहां पे ये जो वैल्यू है, सपोज इसे वाई कहते हैं इसे एक्स कहते हैं, तो y डिवाइड बाय x करोगे बेटा तो आपको स्लोप मिलेगा, और वो स्लोप क्या होगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो अगर किसी का रेजिस्टेंस ढूंढना है, आपको दिया है ये वायर दिया हुआ है, आप इसको करो, आपको क्या करना है, अलग अलग बैटरीज यूज करो, 2 वोल्ट, 2.2 वोल्ट, 2.4 वोल्ट, कोई भी बैटरी, अलग अलग डिफरेंट वोल्टेज की बैटरीज यूज करो, एंड ईच एंड एवरी टाइम जब बैटरी कनेक्ट करते हैं तो कितना करंट इसमें से पास होता है वो नोट डाउन करो, सभी वैल्यूज को मिला के एक ग्राफ बना दो, ग्राफ में से स्लोप निकालो, ग्राफ में से स्लोप निकालो, कोई भी एक पॉइंट पे, कोई भी एक पॉइंट पे वोल्टेज कितना है, दूसरे पॉइंट पे वोल्टेज कितना है, ये पॉइंट पे वोल्टेज कितना है, उन दोनों का डिफरेंस लो, इसी पॉइंट पे करंट कितना है और इसी पॉइंट पे करंट कितना है, उन दोनों का डिफरेंस ले लो और उन दोनों को डिवाइड कर दो, तो y बाय x। ज्यादा हमें यहाँ पे ग्राफ के ऊपर से क्वेश्चंस कम आएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, आ तो सकते हैं, ग्राफ एक्सप्लेन भी करना है, क्लियर। तो ये स्लोप हो गया, ये स्लोप हो गया, क्लियर। लेकिन अगर आप डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स यूज करोगे, फॉर एग्जांपल आपने वायर लिया निक्रोम का, वायर आपने किसका लिया, निक्रोम का, तो निक्रोम का जब वायर लेते हैं तो आपको शायद ऐसा ग्राफ मिला जो स्ट्रेट लाइन नहीं था, जो स्ट्रेट लाइन नहीं था। तो इसमें कह सकते हैं कि अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ही वो कंडक्टर ओम्स लॉ फॉलो करता है, वरना ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। तो ये अगर ऐसा ग्राफ मिल रहा है, देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, कर्व्ड है, तो उसे कहते हैं कि दिस कंडक्टर डू नॉट
फॉलो ओम्स लॉ, यहां पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है किसका, वोल्टेज वर्सेस करंट का, तो ही ओम्स लॉ। ये इंपॉर्टेंट चीज थी बेटा। ग्राफ थोड़ा बहुत कम समझ में आया तो चलेगा, लेकिन याद क्या रखना है कि अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, किसका ग्राफ, वोल्टेज और करंट का, एक तरफ वोल्टेज है और एक्स एक्सिस पे करंट की वैल्यू रखी है, और वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, देन एंड देन द कंडक्टर ओबेज द ओम्स लॉ, अदरवाइज इट डू नॉट फॉलोज द ओम्स लॉ। कि अगर ऐसा कर्व्ड पाथ मिलता है तो ये क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर। नॉन ओहमिक कंडक्टर मतलब वो ऐसा कंडक्टर है जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। अभी तो यार दिमाग घूम गया कि ऐसा क्यों होता है, कि ऐसा क्यों है कि वोल्टेज बढ़ता है, बिकॉज हमने दो चीज़ें पढ़ी अभी बेटा, एक पढ़ा हमने कंडक्टर और एक पढ़ा हमने रेजिस्टर। तो एक कंडक्टेंस होता है, उस प्रॉपर्टी को हम कंडक्टेंस कहते हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है, जिसकी वजह से करंट को अपोज करते हैं, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। एक तीसरी प्रॉपर्टी ऐसी होती है, उसे कहते हैं इंडक्टेंस। वो हम 11, 12 में पढ़ेंगे, अभी कुछ नहीं, क्या वर्ड याद रखना है सिर्फ, इंडक्टेंस। हमारी बुक में भी नहीं है तो पूछा नहीं जाएगा बोर्ड में, लेकिन अगर आप याद रखो तो अच्छा है, इंडक्टेंस। और उस तीसरी प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं, यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं। इसीलिए सभी कंडक्टर्स ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, लेकिन ऐसे भी आपको मिल सकते हैं, ज्यादातर तो फॉलो कर लेंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपको कर्व्ड पाथ मिलेगा तो ओम्स लॉ फॉलो करेंगे नहीं। अभी इसी ग्राफ से अगर हम देखें तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और स्लोप क्या मिलेगा, ये वोल्टेज और करंट स्ट्रेट लाइन क्यों मिलता है, क्योंकि V इज प्रोपोर्शनल टू I। यहां पे देखो V इज प्रोपोर्शनल टू I, कि वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, सो इट इज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I करंट। और उसका जो स्लोप मिलेगा हमें, उसका जो स्लोप मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, आर। आपको सिर्फ ऐसे वर्ड नहीं लिखना है, हर एक को एक एक लाइन में इंडिकेट करना है दैट हियर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इट मींस इफ वोल्टेज इंक्रीजेस करंट इंक्रीजेस, और इफ करंट इंक्रीजेस देन वोल्टेज इंक्रीजेस। तो उसको ऐसे एक्सप्लेन किया। दूसरी लाइन, द स्लोप ऑफ द वोल्टेज करंट ग्राफ, वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ ए रेजिस्टेंस, गिव्स द वैल्यू ऑफ ए रेजिस्टेंस। तो ये आपको स्लोप मिल गया। Now motion is inversely proportional, motion of electron, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, motion of electron is inversely proportional to 1 upon r, कि inversely proportional to 1 upon r यानी inversely proportional to r, motion of electron यानी motion of electron, electron यानी charge, तो motion of charge, और motion of charge यानी बोलते हैं flow of charge। मतलब मैंने सिर्फ twist करके लिखा है कि आप current बोलो, flow of charge बोलो, motion of electron बोलो, this is one and the same thing, either we speak motion of electron or either we speak flow of charge or either we speak electric current, then it is the same thing, because motion of electron, that is flow of charge, and that is electric current, so that is inversely proportional to the resistance, it is inversely proportional to the resistance, ki current or resistance hamesha inversely proportional hote hai, ki jitna zyada current hoga utna resistance kam hoga, ya to fir jitna resistance zyada hoga करंट उतना ही कम होता जाएगा। क्लियर? नाउ जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम है, जो भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम है, इट मींस वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, उसमें रेजिस्टेंस करंट को कोई अपोज नहीं करेगा, बिकॉज उसका रेजिस्टेंस कितना है, बहुत छोटा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेटा गुड कंडक्टर। क्या कहते हैं बेटा, गुड कंडक्टर, जिसमें रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत है, कि ऐसा नहीं कि बहुत कम या ज्यादा है, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है, तो उसे कहते हैं रेजिस्टर। क्या कहते हैं, रेजिस्टर। जिसमें थोड़ा रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसे कहते हैं पुअर कंडक्टर। जिसमें एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, उसे कहते हैं इंसुलेटर। क्या होता है, चार चीजें आती है, एक हमने बोला इंसुलेटर होता है, एक होता है गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर यानी रेजिस्टेंस नहीं है, इंसुलेटर यानी एक्सट्रीमली इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। बीच में आते हैं, अगर थोड़ा बहुत ही रेजिस्टेंस है तो उसे रेजिस्टर कहते हैं, अगर रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है तो उसे कहते हैं पुअर कंडक्टर। क्लियर? तो ये बहुत ही सिंपल चीजें थी बेटा आज हमने पढ़ी, वो आपको पूरा का पूरा 5 मार्क में, 4 मार्क में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और कोई भी एक पर्टिकुलर चीज आपको 2 मार्क में भी पूछी जा सकती है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है 1 ओम की जैसे आपको पूछा जा सकता है 1 वोल्ट, 1 एम्पियर,
वन कूलम, डिफाइन वन ओम, तो आपको ये लिखना है, डिफाइन वन एम्पियर, डिफाइन वन वोल्ट, डिफाइन वन कूलम, तो ऐसे अगर आप डिफाइन वन जूल, तो ऐसे जब आपको डिफिनेशंस पूछ जाते हैं, व्हाट डू, हाउ कैन यू डिफाइन वन एम्पियर, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। बहुत ही सिंपल है, कैसे लिखा था देखो मैंने, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू वी बाय आई, तो आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई है, तो आर वन कब होगा, वन ओम, यानी आर की वैल्यू वन होनी चाहिए, तो वी वन आई वन, वी वन आई वन, तो दोनों की वैल्यू जब वन वन होगी तो कट होगा और आंसर आ जाएगा वन, आंसर हो जाएगा वन, तो वोल्टेज भी वन, करंट भी वन, तो इफ वन एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट, कि यहां पे भी वन एम्पियर वन वोल्ट, तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, वन ओम। तो सिमिलरली फॉर्मूला के हिसाब से आपको करना है कि अगर आपको वोल्टेज का फॉर्मूला चाहिए, वोल्टेज यानी वन वोल्ट चाहिए, तो वी इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, V is equals to IR. If one ampere of current is flowing through the conductor having resistance 1 ohm, जिसमें करंट भी 1 हो और उसमें resistance भी 1 हो, तो 1 into 1 क्या हो जाएगा, 1 volt. तो उसकी definition. If one ampere of the current flows through the conductor having potential difference किसकी जगह resistance 1 ohm is said to be having electric potential 1 volt across the conductor. तो आप इस तरीके से definitions खुद से बना सकते हो। तो आपको कौन कौन सी खुद से बनानी है बेटा, 1 एम्पियर, वन वोल्ट, वन कूलम, वन जूल। फॉर्मूलाज कहाँ से, प्रीवियस वीडियोस आपके पास पड़े होंगे, नहीं है तो बोलो मैं भेजता हूँ, तो यहाँ पे आपको उसमें से देखना है, फॉर्मूलाज के हिसाब से आपको ये डेफिनेशंस बनानी है बेटा। थैंक यू।